सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस कि मैं बता दूं जो इंजीनियरिंग को गजड़ा समझ चुके हैं, मैं बता दूं उनके माइंडसेट को चेंज करना किसी के बस की बात नहीं है, और ऐसा हो रहा है और कंटिन्यू प्रोसेस में हो रहा है, और इसका जिम्मेदार हम में से आप लोग खुद ही हैं। क्यों? देखो, सबसे बड़ी बात बता दें कि इंजीनियरिंग को बेकार कहने वाले लोग एक बात को जरूर समझे, ठीक है? अगर आप इंजीनियरिंग को बेकार कहते हो कि इंजीनियरिंग बेकार है, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए और इंजीनियरिंग करके बेरोजगारी है, तो शायद उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो लोग ये कह रहे हैं इंजीनियरिंग करना बेकार है। भाई, आप किस दुनिया में जी रहे हो? ठीक है, इंजीनियरिंग में हमेशा देखो कोई ना कोई ब्रांच हमेशा पीक पॉइंट पे रहा है। आज से 5 साल 10 साल पहले ले ले, नोटबंदी से पहले ले लो तो उससे पहले इंजीनियरिंग अपने पीक पॉइंट पे रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चलता था। तो हर इंजीनियरिंग का एक प्लस पॉइंट होता है, हर इंजीनियरिंग का एक माइनस पॉइंट होता है। कोरोना आया और जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है उनमें काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, कोर इंजीनियरिंग ब्रांच काफ़ी इम्पैक्ट हुई, काफ़ी हानि हुआ, कई लोग बेरोजगार हुए। लेकिन इसका क्या मतलब कि इंजीनियर देश के जीडीपी में योगदान नहीं कर रहे हैं? इंजीनियर देश की जीडीपी नहीं चला रहे? मैं भी इंजीनियर हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना खुद का काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं देश की जीडीपी में मैं वो नहीं कर रहा हूँ? देश की जीडीपी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? देश की जीडीपी मैं नहीं चला रहा हूँ? मतलब समझ से बाहर है कि देश की जीडीपी के बारे में सबसे ज़्यादा योगदान की बात किया जाए तो इंजीनियर भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, ठीक है, देश को इकोनॉमिक ग्रोथ में। और दूसरी ये बात कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो ना तो आपके सोचने का तरीका बदलता है, मतलब आपका माइंडसेट चेंज होता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें का वो होता है। जो जंगली लाइफ आप जी रहे हो उससे थोड़ा सा बाहर निकल के आओगे। अब ये मैंने ये बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे सर और कोर्स तो बेकार है, क्या बीए करके हम जंगली लाइफ जी रहे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ एक चीज़ है जो टेक्निकल जिंदगी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल लाइफ की, कि टेक्निकल लाइफ जो आप जी रहे हो। और आप बताओ ना, एक इंजीनियर की देन है प्लेन चल रही है, एक इंजीनियर की देन है ट्रेन चल रही है, एक इंजीनियर की देन है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो यही कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये प्लेटफॉर्म बनाया है यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म, तो आप कैसे कह सकते हो कि इंजीनियरिंग बेकार है? हर चीज़ में प्लस माइनस होता है, हर चीज़ का। बसरते ये है इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज़ जब नई आती है तो उस पर इतना लोग जम जाते हैं, दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं, उनको लगता है बीए बेकार है, बीएससी बेकार है और चीज़ें बेकार, जबकि वो बीए करके बहुत अच्छा कर सकते थे, बीएससी करके अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके इंजीनियरिंग की तरफ मूव ऑन कर लिया, चाहे बीटेक हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, आईटीआई हुआ, जो करने का मूड किया वो करना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं यार, चीज़ें इस तरह से है, चीज़ें उस तरह से है, चीज़ें इस तरह से चलनी चाहिए, चीज़ें उस तरह से चलनी चाहिए। तो माइंडसेट आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक अपना माइंडसेट आप नहीं चेंज करोगे, चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीज़ें आपकी समझ से बाहर हो जाएंगी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ और किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंजीनियरिंग करना मेरे हिसाब से बेकार नहीं, लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग अगर आपका मन है तो ज़रूर करिए, और अगर मन नहीं है तो बिल्कुल मत करने आइए, क्योंकि अगर बिना मन के आप इंजीनियरिंग करने आओगे ना तो वहाँ पे कई सारे चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग कि अगर आप टायर थर्ड कॉलेज में चले जाते हो तो जॉब कैसे लेना, किस तरह से आगे जाओगे, करियर का क्या प्लान होगा, करियर किस डायरेक्शन में आगे जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को आपका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों का जवाब आप खुद दे सकते हो और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, चीज़ें नहीं लेकर के आओगे, तब तक चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी। तो एक आगे बढ़िए और अपने तरीके से उसको चीज़ों को समझिए, जानिए, फिर उसको अप्लाई करिए। और जो लोग कह रहे हो इंजीनियरिंग बेकार है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ यार, बिना इंजीनियर के ना ये दुनिया चल नहीं पाएगी। हर चीज़ में तो इंजीनियरिंग है, जो आप फ़ोन लिए हो, आपके फ़ोन में जिस स्मार्टफोन से आप वीडियो देख रहे हो, वो भी किसी इंजीनियर ने ही बनाया है, तो आप कैसे कह सकते हो इंजीनियरिंग में? हाँ, कंपटीशन का लेवल हर इंजीनियरिंग में बढ़ चुका है, उसको उसके लिए देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देश का पॉपुलेशन इतना तेज़ बढ़ रहा है, रोज़गार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जितनी तेज़ से पॉपुलेशन बढ़ रहा है लोग इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, सारे सेक्टर छोड़ के इंजीनियरिंग फील्ड में आ रहे हैं, उस वजह से वहाँ पे करियर ग्रोथ के जो प्रॉब्लम्स है उसका आप लोग सामना कर रहे हो। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि इंजीनियरिंग बेकार है, इंजीनियरिंग मत करो, इंजीनियरिंग कर लिए तो लाइफ बेकार हो जाएगी, ऐसा कहने वाले प्लीज़ बंद करो। और जिनको इंजीनियरिंग करना करिए, आप किसी के होपलेस करने में मत आइए, ठीक है? अगर आपका मन है तो आप जाइए, मूव ऑन करिए, और अगर आपका मन नहीं है तो शायद आप उस तरफ मूव ऑन मत करिए। तो बस वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर डिजिटल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कॉमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।